नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। देख लेते हैं आज की खास खबरें। भारत 2030 तक चीन को पीछे छोड़ सकता है। बताया जा रहा है कि भारत एलपीजी रिहायशी क्षेत्र बाजार में 2030 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा खाना पकाने की गैस का बाजार बन सकता है। भारत और चीन के तनाव के बीच भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि टू फ्रंट वॉर समेत हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हैं तैयार। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 के चुनावी बिगुल बजते ही नेताओं को सिंबल मिलना शुरू। वहीं एनडीए का ऐलान, बीजेपी 121 और जेडीयू 122 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मांझी की पार्टी को भी जेडीयू के कोटे से 7 सीटें मिलेंगी। बिहार में जेल में बंद बाहुबली मोकामा के विधायक अनंत सिंह को आरजेडी ने दिया टिकट, मोकामा से लड़ेंगे चुनाव। बिहार के आरा से आरजेडी के विधायक अनवर आलम का टिकट काटे जाने के बाद हार्ट अटैक। विधायक अनवर आलम की स्थिति नाजुक देखते हुए किया गया पटना रेफर। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ से किया मुलाकात। बीजेपी नेताओं ने गवर्नर से पार्टी नेता मनीष शुक्ला हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार के औरंगाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड के रफीगंज स्टेशन के पूर्वी केबिन के समीप अपलाइन के ट्रेन के बीच में आने से हाजीपुर गोला निवासी शिक्षक शाहिद अख्तर की मौके पर ही मौत हो गई। सुपरस्टार अजय देवगन के भाई अनिल देवगन का बीती रात निधन हो गया। अजय देवगन ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा कि महामारी के चलते प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के रानीगंज के राजबाड़ी मोड़ के समीप बालाजी स्वीट मिठाई दुकान को ओपनिंग। मौके पर चीफ गेस्ट शिव दर्शन दास ने फीता काटकर दुकान का किया ओपनिंग। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।